नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक नई वीडियो के माध्यम से। आपको बताने वाला हूँ आपका प्यार आपसे कभी भी खफा अगर हो गया है तो वो इस उपाय को कर दिया तो आपसे कभी भी खफा नहीं होगा। आपसे नफरत करता है तो आपसे प्यार करेगा। आपसे दूर चला गया है तो आपकी बात मानेगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको घर बैठे बैठे इस उपाय को करके अपनी और उस इंसान को वशीकरण करके अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों घर बैठे बैठे आपको सिंपल सा एक इस उपाय को कर दीजिए। कोई भी प्रेमी, कोई भी पति, कोई भी प्रेमिका कभी भी आपसे, किसी लड़की से अगर वो बातचीत करता है तो उससे दूर हट जाएगा और कभी भी आपसे दूर नहीं होगा। लौंग के माध्यम से घर बैठे बैठे आप इस उपाय को कर सकते हैं। वशीकरण किसी का करके अपने वश में कर सकते हैं, उस इंसान को अपना बना सकते हैं। और ये उपाय अगर आपने एक बार कर लिया तो सिंपल सा ये उपाय है। आपको क्या करना है, 11 लौंग लेनी है, मुट्ठी बंद करनी है और बोलना है ये मंत्र। बोलना है ओम भागेश्वर धाम महाराज श्री मनुच्चाटन वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा 111 बार आपको फूंक मारनी है इसमें लौंग, 11 लौंग लेकर और पैर के नीचे रखकर इस तरीके से उस पर चलकर चले जाना है। 11 बार आपको चलना है। जैसे एक कदम आपने रख लिया फिर पीछे हटा लिया, फिर कदम रख लिया फिर पीछे हटा लिया, इस तरीके से 11 बार आपको कदम उस पर रखना है पैर के नीचे रखकर। बस इतना आपको काम करना है दोस्तों। इतना काम आपने एक बार कर लिया तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपकी बात वो मानेगी, स्त्री आपकी बात सुनेगी, जैसा कहोगे वैसा करेगी। आपका पति आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, आपको छोड़कर भी नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा, आपके कहने पर चलेगा। और आपका पति किसी पराई औरत के साथ में है तो उससे दूर हट जाएगा। तो वशीकरण कर सकते हो। आप सब जानते हो वशीकरण किसे कहते हैं। किसी भी तरीके का वशीकरण हो आप इस उपाय को करके उसको अपने वश में कर सकते हैं।